రంగారెడ్డి జిల్లా మైలాదేవిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని దానమ్మ జోపిడి వద్ద గంజాయి గ్యాంగ్ రెచ్చిపోయారు. ఓ హెయిర్ సెలూన్ పై దాడి చేసి సెలూన్ లో ఉన్న ఫర్నిచర్ ను ధ్వంసం చేశారు. సెలూన్ యజమానిపై విచక్షణ రహితంగా పిడిగుద్దుల వర్షం కురిపించారు. సెలూన్ కి వచ్చి హెయిర్ కటింగ్ చేయించుకున్న ముగ్గురు గంజాయి గ్యాంగ్ ను డబ్బులు అడిగిన పాపానికి యజమానిపై దాడి చేశారు. తమ దగ్గర డబ్బులు అడుగుతావా అంటూ గంజాయి మత్తులో నానా హంగామా చేశారు. అడ్డు వచ్చిన స్థానికులపై కూడా దాడి చేశారు. దీంతో స్థానికుల ఫిర్యాదుతో ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకోకముందే అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు పోకిరీలు. గంజాయి గ్యాంగ్ తో ఈగలేకపోతున్నామని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. यहाँ पर इनके दुकान के बाजू में रहती है, यहाँ पर हजाब शॉप है, इटली होटल अवेसी दानम्मा झोपड़ी, ये एरिया में 10:15-10:30 के दरमियान यहाँ पर एक हंगामा हुआ. वो आवास के लिए मैं बाहर आई, आज तक हाथमपाई चल रही थी दोनों बच्चों के ऊपर. वो तीन बच्चे वार कर रहे थे, मैं जाके डराने से मेरे को भी ढकल दिए और पूरा उनकी दुकान में तोड़फोड़ करके पूरा नुकसान कर दिए. तीन बच्चे यहाँ के पहाड़ के ऊपर के है. आप पहचानते हो? हाँ पहचानते, लेकिन नामा मालूम है. एक का नाम सरवर है, एक का नाम अयान है, और एक का नाम नदीम है. नदीम है आपसे पहले फोन करा दिए? हाँ अभी करा. ना इससे पहले भी बहुत गड़बड़ हुई है दुकान में, कभी भी बच्चे के ऊपर. गैर मुल्की है, बिहारियां है, लोगों के ऊपर दोरा दोरी करते, दाढ़ी कटिंग फ्री में बनाओ बोलते, लोग नहीं बनाए तो इन लोगों की दुकान तोड़फोड़ मार तोड़ करते. और ये कोई नहीं है, बस्ती के बच्चे हैं आगे के, इन लोगों का यही काम है, गांजा पी लेते आते कि इसको भी कमजोरों को दबाते. ये रॉडीरिज्म नहीं चलती, सब है यहाँ, सब करके खाना, अपनी अपनी मेहनत का खाना, कोई किसी को नहीं दबाना. ये आजाद हिंदुस्तान है, डरिंगा कोई नहीं यहाँ पर, कोई भी रहो. ये गलत हरकत है, कानून बैठा हुआ है. आते पुलिस वाले चेक करते, देखते भाग जाते, थोड़ी देर के बाद फिर आके हरकत करते. कानून इतने सख्त होने के बावजूद भी इन लोगों की क्यों हिम्मत क्यों बढ़ जा रही है, इन लोगों की क्यों ये कर रहे हैं लोग? इन लोगों को डर खौफ किसी का नहीं है क्या? अपने घर में भी फैमिली है ना. इससे पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ दो तीन बार, नहीं करे ये बच्चे क्या करे? जान दो, बस्ती का मसला है. लोग डर रहे, गैर मुल्की लोग है, बाहर से करके खाने आए वाले है, लोग गरीब लोग है, लोग क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? इसलिए बोले जान दो, आज हो गया जान दो. कई बार पैसे भी खींच लिए उसके, लेकिन वो बच्चा नहीं बोला किसी को भी. हम भी बोले कर्मी यहाँ दोबारा नहीं होता, जान दो बाजी. आज पूरी दुकान तोड़फोड़ करे, उनके वाली साहब जईफ है, उनको ढकल लेते, वो लोग गांजे के नशे में कहीं भी मार देते, जान चले जाती ना. इसीलिए हुकूमत से दरखास्त है, ये रॉडीरिज्म यहाँ से बर्खास्त करिए, ये यहाँ अब नहीं चलेगा. सो यहाँ पर इनके दुकान के बाजू में रहते हैं, यहाँ पर हजाब शॉप है, इटली होटल अवेसी दानम्मा झोपड़ी, ये एरिया में 10:15-10:30 के दरमियान यहाँ पर एक हंगामा हुआ. वो आवास के लिए मैं बाहर आई, आज तक हाथमपाई चल रही थी दोनों बच्चों के ऊपर. वो तीन बच्चे वार कर रहे थे, मैं जाके डराने से मेरे को भी ढकल दिए और पूरा उनकी दुकान में तोड़फोड़ करके पूरा नुकसान कर दिए. तीन बच्चे यहाँ के पहाड़ के ऊपर के है. हाँ पहचानते, लेकिन नामा मालूम है. एक का नाम सरवर है, एक का नाम अयान है, और एक का नाम नदीम है. नदीम है आपसे पहले फोन करा दिए? हाँ अभी करा. चल रही है.